हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस ट्यूटोरियल वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एसी करंट होता है या एसी वोल्टेज होता है उसकी एवरेज वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव होता है। और उसके बाद मैं आपको एक अल्टरनेटिंग करंट जो कि एक साइनसोइडल अल्टरनेटिंग करंट होगा उसकी हाफ वेव और फुल वेव के लिए एवरेज वैल्यू क्या होगी उनके करंट की वो निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे। सबसे पहले एवरेज या मीन वैल्यू की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। सो डेफिनेशन ये है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एनी करंट इन अ गिवन टाइम इज डिफाइंड एज दैट कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ करंट विच विल सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन अ गिवन सर्किट एज सेंट बाय एक्चुअल करंट इन द सेम टाइम इंटरवल। अब ये पूरी डेफिनेशन को अपन शॉर्ट में समझे तो हमारे पास यहाँ पर दो सर्किट मैंने यहाँ पर लिए हैं, एक डीसी सर्किट लिया है और एक एसी सर्किट लिया है। और मान लेते हैं कि हमने कुछ टाइम इंटरवल के लिए इन दोनों को ऑन करा है और वो टाइम इंटरवल है सेम दोनों के लिए। सो अगर T1 से हम यहाँ पर T2 तक इस सर्किट को ऑन कर रहे हैं, T1 टाइम से T2 तक, और यहाँ पर भी जो सर्किट है उसे T1 टाइम से T2 तक ऑन करें, दोनों में टाइम इंटरवल क्या है सेम है। ओके, सो जो नेट टाइम जिसके लिए ये सर्किट रन कर रहा है वो हो जाएगा T2 माइनस T1, DC वाला भी और AC वाला भी जो सर्किट है वो टाइम T2 माइनस T1 के लिए रन कर रहा है। अब टाइम इंटरवल सेम है और अगर चार्ज इन DC ये बराबर है चार्ज जो कि AC में फ्लो हो रहा है, चार्ज इन DC अगर ये बराबर हो रहा है चार्ज इन AC, तो जितना करंट इस DC वाले सर्किट में फ्लो हो रहा है वो कहलाएगा एवरेज करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। सो DC में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या कहलाएगा, एवरेज करंट। सो IDC इक्वल्स टू IAB, AB मतलब एवरेज करंट। अब जो चार्ज DC में ट्रांसफर हो रहा है वो बराबर हो जाएगा IAverage इंटू जितने टाइम के लिए हमने सर्किट ऑन कर रखा वो है T2 माइनस T1। ये आ गया हमारे पास चार्ज जो DC वाले सर्किट में ट्रांसफर हो रहा है। अब ये तो बात हो गई जो DC वाले सर्किट में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसकी। अब AC वाले सर्किट में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो हमें निकलना है। तो AC में जो करंट होता है वो होता है वेरिएबल। ओके, सो जो करंट AC में फ्लो हो रहा होगा वो हो जाएगा dQ/dt, और यहाँ पर क्यू AC हम ले लेते हैं। और यहाँ से अगर हमें AC में चार्ज निकालना है सो dQAC इक्वल्स टू IAC इंटू dt, और नेट चार्ज निकालने के लिए हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें मिलेगा qAC, और यहाँ हम जो ये करंट है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर टाइम की लिमिट्स पुट करनी पड़ेगी कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हम चार्ज निकाल रहे हैं। तो हम T1 से T2 तक का चार्ज निकाल रहे हैं। सो qAC ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 IAC इंटू dt। ओके, अब एवरेज वैल्यू कब होगी, जब जितना चार्ज सेम टाइम ड्यूरेशन में DC में ट्रांसफर हो रहा है और उतने ही टाइम ड्यूरेशन में अगर सेम चार्ज AC में ट्रांसफर हो रहा है तो जितना करंट DC वाले सर्किट में फ्लो हो रहा है वो क्या कहलाएगा, एवरेज करंट। ओके, सो ये हो गया इक्वेशन 1, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2, इन्हें हम इक्वेट कर दे तो हमें एवरेज करंट मिल जाएगा। सो IAverage इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 IAC dt। ओके, सो IAverage ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1/T2 माइनस T1 इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2 आई ए
ABCDT। ये आ गया हमारे पास एवरेज करंट निकालने के लिए फॉर्मूला। अब इसका यूज करके आप कोई सी भी एसी करंट की जो इक्वेशन है वो आप यहाँ पर पुट करें, और जितने टाइम के लिए आपको एवरेज करंट निकालना है वो आप यहाँ पर टाइम इंटरवल पुट करके एवरेज करंट निकाल सकते हैं। ओके, ये पूरा फॉर्मूला एवरेज करंट के लिए मैंने आपको डिराइव करके बताया। अब मैं आपको एक साइनोसोइडल करंट लूँगा और उसमें हाफ वेव के लिए और फिर फुल वेव के लिए मैं आपको एवरेज करंट निकाल के बताऊंगा। ओके, अब यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि जो एवरेज करंट है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ओके, तो कभी ऐसा न्यूमेरिकल आए मेंस में या नीट में तो एवरेज करंट जो है वो किस पे बेस्ड होता है, तो आपको बताना है कि वो चार्ज पे बेस्ड होता है ना, चार्ज की मदद से हम एवरेज करंट निकालते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा टास्क है वो हम करते हैं हाफ वेव के लिए और फुल वेव के लिए एक साइनोसोइडल करंट लेकर उसकी एवरेज जो वैल्यू है वो मैं आपको निकाल के बता रहा हूँ। तो मैं बाकी पूरा सेक्शन पूरा रब कर रहा हूँ, केवल ये फॉर्मूला लिखा रहने दूंगा। सो ये एवरेज करंट निकालने के लिए फॉर्मूला है, और यहाँ पर मैंने एक साइनोसोइडल करंट वेव ली है जिसकी इक्वेशन है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये एक एसी करंट की इक्वेशन है और ये टाइम डिपेंडेंट होती है। अब यहाँ पर हम एवरेज वैल्यू सबसे पहले हाफ वेव की निकालेंगे। हाफ वेव मतलब जो टाइम पीरियड है वो 0 to T/2 यहाँ तक रहेगा हाफ वेव में। ओके, सो हाफ वेव में T1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और T2 की वैल्यू हो जाएगी T/2। और यहाँ से हम आई एवरेज निकाले तो वो आएगा 1/T/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to T/2। और आई एसी करंट की इक्वेशन क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ओके, अब यहाँ पर जो आई नॉट है वो कांस्टेंट है, तो इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आई नॉट जो होती है वो एसी करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, वो कुछ चेंज नहीं होती। ओके, सो आई नॉट को हम इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें। और ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर लिख रहा, वो होता है 2π/T, और कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड है इज साइनोसॉइडल करंट का। अब यहाँ पर हमें इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। सो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, साइन ओमेगा टी को अपन टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा -cos ωt/ω। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, सो यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर दें, सो आई एवरेज हो जाएगा आई नॉट अपॉन T/2, और साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करा तो आया -cos ωt/ω, अपर लिमिट T/2 और लोअर लिमिट 0। अब यहाँ पर हम -1 ω इसे हम बाहर निकाल देते हैं। ओके, सो आई नॉट अपॉन T/2 और यहाँ पर -1 ω इसे बाहर निकाल दिया है, और यहाँ पर अब हमें लिमिट पुट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लिमिट पुट करने से पहले यहाँ पर मैं ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ। सो ओमेगा की वैल्यू है 2π/T, वो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह मैं पुट कर देता हूँ। सो ओमेगा की जगह 2π/T पुट करने के बाद हमें ये मिलेगा। अब यहाँ पर जो टर्म कैंसिल हो रही है उसे हम पहले कैंसिल कर दें ताकि थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर दें। सो कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल और ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर केवल हमारे पास बचेगा -I0 by pi यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ पर हम लिमिट्स पुट कर दें। सो पहले हमें T/2 यहाँ पर पुट करना है। ओके, फिर माइनस ये लोअर लिमिट फिट पुट करना है। ओके, जैसा डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। सो लिमिट्स पुट करने के बाद हमें ये मिलेगा। ओके, T/2 पुट करा फिर 0 पुट करा तो वो पूरा टर्म जो हम सेकेंड लिमिट में पुट करेंगे 0, तो वो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर टी और टी कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर केवल पाई बचेगा। सो हमें यहाँ पर मिला
कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। अब कॉस पाई इसकी वैल्यू होती है माइनस वन और कॉस जीरो इसकी वैल्यू होती है वन, तो माइनस आई नोट बाय पाई इंटू माइनस वन माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस टू। तो माइनस टू इंटू माइनस आई नोट बाय पाई इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा टू आई नोट बाय पाई, और ये आ गया है हमारे पास हाफ वेव के लिए जो एवरेज करंट फ्लो होगा उसके लिए एक्सप्रेशन। ओके, और यहां पर हम पाई की वैल्यू पुट कर दें तो हमें मिलेगा 0.637 आई नॉट, मतलब कि जो एवरेज करंट है हाफ साइकिल के लिए वो जो इस एसी करंट का जो मैक्सिमम करंट है उसका 0.637 टाइम्स होगा। ओके, सो ये पूरा हाफ वेव के लिए मैंने आपको एवरेज करंट निकाल के बताया, अब हम फुल वेव के लिए एवरेज करंट निकालेंगे। ओके, सो आप ये पूरा नोट डाउन कर लो क्योंकि ये पूरा नीचे का जो सेक्शन है वो मैं रब करने जा रहा हूँ। अब फुल वेव के लिए जो टी वन है उसकी वैल्यू जीरो होगी और टी टू इसकी वैल्यू कैपिटल टी के बराबर होगी जो कि टाइम पीरियड है इस एसी वेव फॉर्म का, और यहाँ पर अब हम एवरेज करंट निकालें सो वो हो जाएगा वन बाय टी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी, और इक्वेशन लिख दें एसी की आई नॉट साइन ओमेगा टी डीटी। अब यहाँ पर आई नॉट कांस्टेंट है उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें। अब साइन ओमेगा टी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा अपर लिमिट टी लोअर लिमिट जीरो। अब यहाँ पर से हम माइनस वन बाय ओमेगा बाहर निकाल दें सो आई एवरेज ये हो जाएगा माइनस आई नॉट बाय टी इंटू वन बाय ओमेगा, और यहाँ पर माइनस कॉस ओमेगा टी बचेगा अपर लिमिट टी लोअर लिमिट जीरो। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है टू पाई बाय टी, सो माइनस आई नॉट बाय टी इंटू वन बाय टू पाई बाय टी और माइनस कॉस ऑफ टू पाई बाय टी इंटू स्मॉल टी अपर लिमिट कैपिटल टी लोअर लिमिट जीरो। यहाँ पर हम जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर टी और टी कैंसिल हो गया तो हमारे पास केवल माइनस आई नॉट बाय टू पाई बचेगा। लिमिट पुट करें तो हमें मिलेगा माइनस कॉस टू पाई बाय टी इंटू कैपिटल टी और यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना ये माइनस वन बाय ओमेगा इसे मैंने बाहर निकाल दिया था और यहाँ पर मैं माइनस माइनस लिखता हुआ रहा था तो उसको प्लस कर लेना आप, है ना, माइनस वन बाय ओमेगा यहाँ से बाहर निकाल लिया इस स्टेप में। ठीक है, तो टू पाई यहाँ पर कैपिटल टी पुट करा माइनस कॉस ऑफ जीरो ये हमें बचेगा ये कैंसिल हो गया सो आई एवरेज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाय टू पाई। अब यहाँ पर बचा कॉस टू पाई, कॉस टू पाई इसकी वैल्यू होती है वन, कॉस टू पाई की वैल्यू होती है वन और कॉस जीरो उसकी वैल्यू भी होती है वन, सो यहाँ पर बचेगा वन माइनस वन और ये पूरा हमें मिलेगा जीरो। ओके, सो फुल वेव के लिए हम जब एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो वो बराबर आएगी जीरो के, सो फॉर फुल वेव आई एवरेज इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सो पहले आप ये जो पूरा है वो उसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये मुझे रब करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो फुल वेव के लिए जो एवरेज करंट आया है वो आया है जीरो के बराबर, और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर अपन पहली हाफ साइकिल देखें, फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, पहली हाफ साइकिल में देखें तो आई एवरेज जो है वो आया है 0.637 आई नॉट के बराबर। पहली हाफ साइकिल मतलब टाइम जो है वो टी वन की वैल्यू जीरो और टी टू की वैल्यू टी बाई टू। फर्स्ट फॉर सेकेंड हाफ साइकिल,
सेकेंड हाफ साइकिल यहाँ पर जो टी वन है उसकी वैल्यू टी बाई टू होगी और टी टू की वैल्यू होगी कैपिटल टी। अब यहाँ पर जब आप फॉर्मूले से आई एवरेज निकालोगे तो वो आएगा माइनस 0.637 आई नॉट के बराबर, ठीक है, जब आप फॉर्मूले से निकालोगे। और इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये नीचे जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो रहा है और इसका जो शेप है वो ऊपर वाला जैसा शेप है करंट का वैसे ही नीचे वाला शेप है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसके बस साइन में अंतर रहेगा। ओके, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। और नेट हमको निकालना फॉर फुल साइकिल के लिए, आई ए सी फॉर फुल साइकिल, तो पहली वाली हाफ साइकिल और दूसरी वाली हाफ साइकिल उन दोनों को ऐड कर दें। सो ये आएगा जीरो के बराबर। सो एवरेज करंट फुल वेव के लिए किसी भी एसी जो सर्किट है साइनोसॉइडल उसके लिए वो होगा जीरो के बराबर एवरेज करंट। ओके, सो ये आज पूरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको एवरेज वैल्यू समझाई है। अब ये जो फॉर्मूला है इससे आप करंट के लिए भी निकाल सकते हैं एवरेज वैल्यू, वोल्टेज के लिए भी निकाल सकते हैं एवरेज वैल्यू, पावर के लिए भी निकाल सकते हैं एवरेज वैल्यू। ओके, ये फॉर्मूला पूरा आप किसी की फंक्शन जो है जिसकी एवरेज वैल्यू आपको निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से उसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड आए आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।